फिर सील रहता है, और सील को पहले निकालना है, इसमें निकला हुआ है इसको सील को तोड़ना है, उसके बाद ऐसे निकालना है इसको, छोड़ देना। उसके बाद क्यों मनाते हैं अग्निशम सेवा दिवस? तेज उड़ती लपटें और उनके बीच किसी के उजड़ते आसियानों को बचाने की मंशा फायर कर्मी में देखने को मिलती है। वे हर दिन आग से खेलने का काम करते हैं। इस खतरनाक काम को अंजाम देते हुए उन्हें अपने जान की भी फिक्र नहीं होती। फिक्र होती है तो उन्हें सिर्फ उस जलते मंजर या फिर उस धधकती जिंदगी को बचाने की। आग लगने वाली जगह पर फायरमैन सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर दौड़ पड़ते हैं। दूसरों के हिस्से की तपन को झेलते हुए जनता की रक्षा व सुरक्षा के लिए कृत्रिम संकल्पित इस जाबाज फायरमैन दल के लिए अग्निशमन दिवस महज कौशल प्रदर्शन का मंच नहीं है, वरना ये स्मृति दिवस है उन 66 अग्निशमन कर्मचारियों की शहादत का, जिन्होंने जन सेवा करते हुए साहस मृत्यु प्राप्त की। वह 14 अप्रैल 1944 का एक धधकता शुक्रवार था, जब विक्टोरिया डॉक बॉम्बे में सेना की विस्फोट सामग्री से भरा पानी का जहाज लपटों के आगोश में समा गया। आग पर काबू पाने के लिए मुंबई फायर सर्विस के सैकड़ों अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गए। अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने धधकती ज्वाला पर काबू करने का भरसक प्रयत्न किया। आग पर नियंत्रण तो पा लिया गया, लेकिन कोशिश में 66 फायरमैन को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। उन्हीं 66 शहीद अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्निशामक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के विभिन्न आयोजन पूरे सप्ताह भर चलते हैं। सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा विभिन्न कारखानों, शैक्षणिक संस्थाओं, ऑयल डिपो आदि जगहों पर अग्नि से बचाव संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव तथा सावधानी बरतने के संबंध जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य अग्निकांडों से होने वाली क्षति के प्रति नागरिकों को जागरूक करना होता है।